हे फैमिली, वेलकम टू प्रतिभा पांडे ब्लॉग्स। आज मैं आप सबके लिए मेथी का पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यहाँ मेथी को मैंने धुल के रखा है, आटा और हरी धनिया, लहसुन, मिर्ची, इन सब का पेस्ट मैंने बना दिया है और मेथी, हरी मेथी का भी पेस्ट बना लिया है। आटे में अजवाइन डाल दिया, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर एंड नमक स्वाद अनुसार आप डाल दीजिए और तेल का मोयन दे दीजिए अच्छे से। मैंने नमक मिक्स किया, अभी तेल का मोयन दूंगी। ऑयल डालते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। मोयन देके उसके बाद जो मैंने मेथी का पेस्ट बनाया है वो मैं मिक्स कर दूंगी। मैंने हरी मेथी, हरी धनिया, लहसुन, मिर्ची सब एक साथ ही मैंने पीस लिया था। बहुत लोग कट करके भी डालते हैं मेथी को, लेकिन मैं मोस्टली पीस के डालती हूँ। अभी इसको मिक्स करके अच्छे से छान लेंगे पूरे में। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं एंड आप दही से खा सकते हैं, रायता से खा सकते हैं, अचार से खा सकते हैं, सब्जी से, आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। मैंने आटा को गूंथ लिया है अच्छे से। अभी मैं एक एक को थोड़ा थोड़ा पैथन लगा के बेल लूँगी। मैंने तावा रख दिया है गैस पे, अभी तावा गर्म हो गया है। जैसे नॉर्मल पराठा सेकते हैं ऑयल लगा के, वैसे इसको भी सेकना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। मैं तो सब्जी के साथ मैं सर्व करूँगी, मैंने इसके साथ सब्ज़ी बनाया है। आप लोग ज़रूर फ्रेंड्स बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा है रेसिपी। हमारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में एंड रिलेटिव्स में। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। मैं फटाफट पूरा पराठा सेक लेती हूँ, उसके बाद मैं सर्व करके आपको बताती हूँ। पलट पलट के उसमें सेकने का, नहीं तो कच्चा जैसा लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद मैं चल रही हूँ सर्व कर देती हूँ सब्जी के साथ। देखिए कितना टेस्टी है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।